महाशिवरात्रि और उर्स समारोह को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों ने सशक्त बल के साथ लोहरदगा शहरी क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों को गड़बड़ी करने पर दंड भुगतान का संदेश दिया गया। एसडीओ अरविंद कुमार लाल व एसडीपीओ बीएन सिंह की अगुवाई में सैफ जगुआर, आरआरबी के जवान और जिला बल के सशस्त्र जवान ने फ्लैग किया। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के थाना चौक से फ्लैग मार्च शुरू होकर बड़ा तालाब, अमला टोली, पावरगंज, न्यू रोड, वीर शिवाजी चौक होते हुए थाना मोड़ तक गया। मौके पर एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने कहा कि महाशिवरात्रि और उर्स समारोह में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। एसडीपीओ बीएन सिंह ने कहा कि फ्लैग मार्च कर विधि व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। उपद्रवियों पर कड़ी चेतावनी का संदेश भी दिया गया। जवान सैट बल के जवान सम्मिलित हुए पूरे शहर में, हम लोग इसके अमल कर रहे हैं। साथ ही उर्स और महाशिवरात्रि को लेकर जगह जगह पुलिस बल की प्रतिनिधि, दंडाधिकारी की प्रतिनिधि कर दी गई है और पूरी तरह से पूरे शहर में सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी बल और दंडाधिकारी की प्रतिनिधि से संबंधित संयुक्त आदेश निर्गत हो चुकी है। सभी स्थानों को बल रहे हैं। इसके साथ ही जो है शहरी क्षेत्र में के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। जो हमारे कंपोजिट कंट्रोल रूम में एक विशेष टीम तैनात है जो 2400 घंटा शहर के सभी गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। रूटीन वर्क है हम लोग का, एक बार हम लोग पूरा व्यवस्था देख लिए, कहाँ कैसे बैरिकेड लगाना है, कैसे हम लोग को ट्रैफिक कंट्रोल करना है, उन्हीं का एक हम लोग अपना कर रहे थे। सारा कुछ हो गया, व्यवस्था सब अच्छी है। सच चल रहा है हम लोग का।